राजकुमार, वेरी गुड मॉर्निंग मीरा, वैभव भगवानी, वेरी गुड मॉर्निंग लाल, कुमुद ठाकरे, वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, प्रतीक कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, सानवी मेहरा, वेरी गुड मॉर्निंग लाल, और अक्षित महाजन, वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। हाँ बेटा, आपको मैंने पिछली बार जो है जो ग्रामर समझाया था, यानी नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द, बच्चों वो आपकी समझ में अच्छे से आ गए थे? आ गए थे आपकी समझ में? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके बेटा, आपको समझ में आए थे है ना? अब आप पहचान लेंगे नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। ओके बेटा, यस कुसुम, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। शाश्वत, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। और अक्षित लिख रहे हैं यस मैडम, आयुष लिख रहे हैं यस मैम, और वैभव भी लिख रहे हैं इसमें ओके बेटा। यानी इसका मतलब आपको समझ में आ गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम। ओके बेटा, हाँ जी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। ओके यस मेरा लाल, पूछ लेती हूँ मैं। हाँ जी ओके, हाँ जी मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ, इसमें मैं नहीं कर पाई हूँ। हाँ जी ओके। हाँ बेटा, जो मैं अभी एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आप उसमें से जो है मुझे नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके बेटा यस मेरा लाल, फिर मैं आगे का करूंगी है ना बेटा। हाँ जी आ गए आपको समझ में। ओके मेरा बच्चा, सानवी भी लिख रही है यस मैम, और ये हर्षल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, और ये दिव्यांशी परिहार, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, प्राची मीना, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ तो मैं आपसे पूछ रही थी कि बच्चों क्या आपको जो है, मैंने जो पिछले क्लास ली थी उसमें मैंने नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द आपको समझाए थे, क्या आपको वो सभी वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं? तो बच्चे जो है ज्यादातर लिख रहे हैं कि मैडम हमें समझ में आ गया है, और प्रतीक लिख रहे हैं कि मैम आप पूछ लीजिए। ओके बेटा, तो मैं यहाँ एक दो सेंटेंस जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और आपको मुझे बताना है कि इसमें से नाम वाला शब्द और काम वाला शब्द कौन सा है। ओके बेटा यस मेरा लाल, है ना? हाँ जी ठीक है। पहला सेंटेंस जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर वो है सीता गाना सुन रही है। ओके बेटा, दूसरा सेंटेंस मछली तैर रही है। चूहे कीड़े खा रहे हैं। आप एक बार ध्यान दे रखना बच्चा कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाम वाले शब्द हो सकते हैं, है ना बच्चा, एक से ज्यादा। ओके बेटा यस सानवी, हाँ जी नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द आपको बताने हैं। ओके बेटा, नाम वाले शब्द जो किसी भी चीज का नाम बताए, है ना, वो होते हैं नाम वाले शब्द। ओके बेटा, और जो किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, किसी काम के किए जाने का बोध करा रहे हैं, वो होते हैं काम वाले शब्द।
आपको इसमें से बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके बेटा, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको, और आप फिर मुझे बताओ। कई बच्चों के यहाँ पर जो है आंसर आ चुके हैं। हाँ सानी, ध्यान से पढ़िए बेटा। ओके मेरा बच्चा, नाम वाले शब्द कौन से होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं। ओके बच्चा, नाम बताने वाले शब्द, नाम वाले शब्द और काम के बारे में बोध कराने वाले शब्द, जो किसी काम का बोध कराते हैं, किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, किसी कार्य के होने का संकेत करते हैं। कोई काम हो चुका है, हो रहा है तो उस वाले में। ओके बेटा, यह होने वाला है, हम पहले से बता रहे हैं, मैं आज बाजार जाने वाली हूँ, है ना। तो कार्य होने वाला है या हो रहा है या किया जा चुका है किसी भी ऐसे समय में। ओके बेटा, हाँ जी बेटा। और मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे। हाँ बेटा, है ना बेटा, मेरा बच्चा। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ, पहला सेंटेंस मैं यहाँ पर सुना रही हूँ, सीता गाना सुन रही है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो है एक ही सेंटेंस में दो जो है नाम वाले शब्द हो सकते हैं, दो नाम वाले शब्द हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ओके बच्चा, क्या है ये? सीता, सीता जो है वो एक लड़की है। ओके बच्चा, तो ये एक लड़की का नाम है, तो सीता हो गया नाम वाला शब्द। क्या हो गया ये? नाम वाला शब्द। ओके बच्चा, गाना क्या सुना रही है? गाना सुना रही है। तो जो गाना जो है वो एक पर्टिकुलर जो है टॉपिक है ना, एक सब्जेक्ट समझो कि जो गाना है ना। हर चीज को हम गाना नहीं बोल सकते। हम किताब पढ़ रहे हैं तो वो हो गया पढ़ना, किताब पढ़ना, तो ऐसे ही गाना, गाना यानी गीत, गाना। तो गीत जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम हो गया, है ना, जैसे या किसी भी विषय का नाम, है ना, किसी भी डिफरेंट कहना चाहिए स्ट्रीम का नाम, है ना। तो जैसे मैं जो है कहानी पढ़ रही हूँ, या मैं कविता पढ़ रही हूँ, या मैं कविता सुना रही हूँ, ऐसे ही मैं गाना सुना रही हूँ। ओके बच्चा, तो ये जो है गाना, गाना यानी ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया नाम वाला शब्द। तो ये और ये दोनों नाम वाले शब्द हो गए हैं। फिर है सुन, सुन जो है वो हम कान से सुन रहे हैं, है ना, आंखों से देख रहे हैं, तो ये काम वाले शब्द हो गए बच्चा। गाना सुन रही है, सुन रही है यानी वो क्या कर रही है? सीता गाना सुन रही है। तो सीता कौन सा काम कर रही है बेटा? सीता गाना सुनने का काम कर रही है। तो जो सुन शब्द है ये वाला, ये हो गया काम वाला शब्द। ओके बच्चा, क्या हो गया बेटा? ये हो गया काम वाला शब्द। ओके बेटा, क्या काम किया सीता ने? गाना सुनने का काम किया। वो सुन रही है, क्या सुन रही है? गाना सुन रही है। ओके बेटा, तो गाना जो है वो हो गया नाम वाला शब्द, और जो वो सुन रही है वो हो गया काम वाला शब्द। ओके, या हम कह सकते हैं कि वह किताब पढ़ रही है। वो क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है ना। सीता किताब पढ़ रही है, तो सीता किताब दोनों चीजें क्या हो गई बेटा? नाम वाला शब्द हो गई। और जो पढ़ना हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया काम वाला शब्द। ऐसे ही सीता गाना सुन रही है, सीता गाना सुन रही है। ओके बेटा, यस मेरा लाल, है ना बेटा, यस मेरा बच्चा। ओके, यस सानवी, अच्छा ओके, कोई बात नहीं बेटा, हाँ जी कोई बात नहीं, है ना, मेरा बच्चों को आ गया है, मुझे तसल्ली हो गई। ओके मेरा लाल, हाँ जी, यस मेरा बच्चा। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या
मेरे पास में मैं भी डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इतना सारा डाटा हम कहाँ से रखते हैं, है ना, क्योंकि हमारे तो फोन में रोज इतने सारे चीजें आती है ना, इसलिए हम भी नहीं रख पाते हैं इतना डाटा। मतलब आपको बड़ा खरीदी नहीं पाएगा हाँ उस वजह से, तो आप ऐसे आप आते ना तो हम फिर भी पूछा हमारे जब वहाँ पर वो आए थे ना तो कोरोना का तो ये जो है हाँ आपको समझ में आ रहा है ना अभी इतना, तो मछली तैर रही है, मछली जो है वो नाम वाला शब्द हो गई, है ना भैया, नाम वाला शब्द हो गई, तैरना काम हो गया, स्विम कर रही है यानी तैर रही है, जैसे सिंगिंग डांसिंग और स्विमिंग ये सब क्या है, ये डूइंग वर्ब्स है, है ना बेटा, ये क्रिया शब्द है, ये काम वाले शब्द है, सुनना खेलना कूदना है ना, आना जाना गाना गाना ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है काम वाले शब्द है। ओके ओके बच्चा, ये सब क्या है, काम वाले शब्द है, ये तैरना जो है यानी तैर रही है यानी स्विम कर रही है, तो ये भी क्या हो गया, काम वाला शब्द हो गया, बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही है बेटा आयुष, हाँ जी गाना, ओके गाना क्या है, हाँ जी तैर रही है काम वाला शब्द है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी मछली नाम और तैरना काम वाला शब्द, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही है इच्छा रानी, बिल्कुल सही है बच्चा, मछली जो है वो काम वाला शब्द है और जो तैर है वो जो है काम वाला शब्द है, ये नाम वाला शब्द है और ये काम वाला शब्द है। इसके बाद है चूजे कीड़े खा रही है, बच्चों चूजे किसको कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे हैं चूजे, है ना, मुर्गी के बच्चे चूजे हुए, तो चूजे क्या कर रहे हैं, चूजे कीड़े खाने का काम कर रहे हैं, तो कीड़े और चूजे ये जो दोनों शब्द, ये जो दोनों हैं ये हो गए हैं नाम वाले शब्द। ओके बच्चा, ये दोनों जो है नाम वाले शब्द है और जो ये खा खा जो है वो काम वाला शब्द है, आ गया बच्चा समझ में, काम वाला शब्द, ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा नाम वाला शब्द और ये हो गए काम वाले शब्द। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे हमारे संसार में आपको जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, जितने भी व्यक्ति दिखाई देते हैं, जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, जितने भी स्थान दिखाई देते हैं, जितनी भी इमारतें दिखाई देती हैं, ओके बच्चा, यानी कुछ भी चीज है एवरीथिंग, हर एक चीज का अपना नाम है और नाम से ही उसकी पहचान है। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि जिस शब्द से उस पर्टिकुलर थिंग की, पर्टिकुलर व्यक्ति की, पर्टिकुलर प्लेस की पहचान होती है उसी को हम नाम वाला शब्द यानी संज्ञा शब्द कहते हैं, और जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है या किए जाने का बोध होता है उसे हम काम वाला शब्द कहते हैं बच्चा। ओके मेरा बच्चा, आया आपको समझ में अभी, काम वाला शब्द यानी जिससे हमें पता चल रहा है कोई काम हो रहा है, जैसे माँ खाना पका रही है, माँ क्या कर रही है, खाना पका रही है, बच्चा सो रहा है, आप कहेंगे मैडम वो तो सो रहा है कुछ भी काम नहीं कर रहा, नहीं बेटा ये भी सोना भी जो है वो भी क्रिया शब्द है, जैसे देखना सुनना गाना खाना हंसना रोना, ऐसे ही सोना भी जो है वो काम वाला शब्द होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना तब हम आपको समझाएंगे कि सोना रोना ये सब क्यों है, है ना, ये सब क्रिया शब्द क्यों है, जबकि हम तो सो रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे, क्यों है ये, तो ये जब आप अगली क्लास जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, नाइन्थ टेंथ में सेवन्थ एट्थ में ही शुरू हो जाता है, तब हम आपको समझाएंगे और मैं तो थोड़ा बहुत फिफ्थ में भी समझा देती हूँ, तो जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, क्योंकि अभी समझाने से मुझे कोई जो है आप थोड़ा सा ये समझेंगे कि मैडम जो है इतने भारी भारी वर्ड से जो है हमें हमारी पहचान करा दी, तो इसलिए मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, केवल आप इतना याद रखिए नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। ओके बच्चा, तो खिलना मुरझाना मतलब जो भी काम चाहे वो हम कर रहे हैं चाहे वो हमारी प्रकृति में हमारे आस पास में खुद हो रहे हैं अपने आप हो रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा उनको, जैसे फूलों का खिलना है मुरझाना है,
पौधे का उगना है ना। तो ये सब चीजें जो है जो अपने आप हो रही है, बारिश का होना है, बादल का बरसना है, जो भी कुछ हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है, जैसे कोई भी नहीं कर रहा, वो भी काम होते हैं। ओके बच्चा, ठीक है, अब मैं अपने लेसन पर आऊँ। तो हमारा जो आज का लेसन है जो हम कराने जा रहे हैं रिविजन में, ओके, अब रिविजन शुरू हो गया बेटा। तो हम जो है रिविजन करने वाले हैं, आज लेसन का नाम है गुनगुन, है ना। आज हम रिविजन कर रहे हैं शुरू, आज से हमारा रिविजन स्टार्ट हो गया। ओके बेटा, तो मैं जो है रिविजन स्टार्ट करा रही हूँ, लेसन है हमारा बुलबुल। ओके, और जहां भी कहीं आपको ऐसा लगे कि मैडम हमें कुछ भी जो है डाउट है, कहीं भी आपको जरा सा भी ऐसा लगे कि हमको कहीं डाउट आ रहा है, आप कहीं अटक रहे हैं, तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मैडम मुझे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, मैं उसको जरूर सॉर्ट आउट करूंगी उसी समय पर। ओके बच्चा, तो किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को अपने सर पर भगवा मत बनाना, है ना, क्योंकि जब हम किसी चीज से डरने लगते हैं तो वो हमें डराने लगता है ना। तो आप इतनी इतनी बड़ी बुक्स को, इतने बड़े बड़े शब्दों को देखकर डर नहीं जाना। ओके बच्चा, क्योंकि जब आप जो है उनसे डरोगे तो वो आपको डराएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी दिक्कत आए, हम बड़े आपके साथ हैं, तो आप तुरंत जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि मैडम हमें यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, ये शब्द हमारे लिए नया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चा, हम यहाँ पर बड़े इसीलिए हैं कि हम आपकी हर समस्या का, हर परेशानी का हल आप कर सकें, आपको समझा सकें कि ये शब्द है, इसका ये मतलब है, अगर हम इसको ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो कैसे हम इसको समझाएंगे आपको, वो हम बड़े लोग जो है आपको, चाहे वो मम्मा है, चाहे हम है, चाहे पापा है, कोई भी है, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है हमेशा। तो प्लीज कहीं भी कोई भी शब्द ऐसा आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ओके बच्चा, चलिए आइए हम शुरू करते हैं। आज हमारा है रिविजन पुनरावर्तन। ओके बच्चा, आज हम पुनरावर्तन कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं अपने लेसन का, जिसका नाम है हमारा बुलबुल। ओके बच्चा, हमारा लेसन का नाम है बुलबुल। ओके मेरे लाल, चलिए। बुलबुल जो है, हमारे आसपास में आपने बहुत सारे पक्षी देखे हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जो हम पढ़ते हैं अपनी बुक में, हम शुरू से ही पढ़ना शुरू करते हैं, पी को पैरेट, और पैरेट का आप इसमें पिक्चर भी देखते हैं, हमें तो पैरेट हमारे दिमाग में घुस गया कि पी मतलब पैरेट, है ना, और पैरेट ग्रीन कलर का होता है, और ये सब चीजें हमारे दिमाग में पहले से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमारी जो मतलब कहना चाहिए कि अल्फाबेट्स की जो शुरुआत होती है, तो हम किसी ना किसी चीज से उसको कोरिलेट कर लेते हैं, और फिर हम उसको आपको समझाते हैं, उससे बच्चा जो है बहुत जल्दी सीखता है। अब जब हमें कोई चीज समझानी होती है तो हम किसी भी चीज को अपने जो आसपास में कोई भी चीजें हो उनसे जब हम कोरिलेट करके आपको समझाएंगे तो वो बिल्कुल आपके जो है या हमारे जो है कोई भी चीज है वो हमारे मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेता है, और जब उसकी छाप यहाँ पर पड़ जाती है ना, वो फिर मिटाई से भी नहीं मिटता। तो आपको जब हम कहते हैं हमारे आसपास में बहुत सारे पक्षी हैं, तो आपको तुरंत ध्यान में आता है मैडम तोता, कबूतर, क्योंकि उनको हम डेली देखते हैं, वो हमारे सामने डेली डेली आते हैं, तो चाहे मम्मा है, पापा है, बुआ है, दादी है, जब भी कोई नया पक्षी दिखता है तो तुरंत वो बताती है, देखा लड्डू, ये है क्या, ये है कबूतर, ये है तोता, ये है कौवा। ऐसे हम सभी जो है अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि भाई ये है ना। लेकिन बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जिनसे हम भी वाकिफ नहीं होते हैं, देख लेते हैं लेकिन हम उनके उनको नाम नहीं जानते हैं, बेटा हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास में ज्यादा पाए नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जंगल होते हैं, जहाँ पर हरियाली ज्यादा होती है, ये है ना, तो वहां पर जो है पक्षी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही एक पक्षी के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे बालकनी में आकर पेड़ पर बैठता है ना, और जो है हमारी बालकनी के पास में ही पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है अमरूद का, तो ये उस पर आकर बैठती है, आवाज करती है बहुत ज्यादा। अगर हम देखते हैं तो चिड़िया समझ के देखते हैं कि भाई ये चिड़िया है, लेकिन जब हमने इसके बारे में देखा, पढ़ा इसके बारे में लेसन के अंदर से, और फिर हमने उसको पहचानना शुरू कर दिया, अरे ये तो बुलबुल है, हम तो रोज इसको देखते थे लेकिन हमें तो पता ही नहीं था बच्चा। तो आज हम ऐसे ही पक्षी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बुलबुल, और लेसन का नाम भी बुलबुल है ना। तो बुलबुल के बारे में हम बहुत सारे
जो रोचक बातें हैं वो आज हम इस लेसन के जरिए पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बिल्कुल जैसे रीडिंग कराते हैं बिल्कुल ऐसे ही समझाऊंगी, फिर उसके बाद उसके अभ्यास करते कराऊंगी। ओके बेटा, तो हम रिविजन को एज ए रिविजन लेकर चलते हैं, ठीक है, कि आपका जैसे जैसे होता रहेगा मैं समझाती रहूंगी। ओके बेटा, तो या फिर मैं ऐसा करूं कि आप लेसन रीड कर लें, ठीक है, और मैं आपको अभ्यास कार्य करा देती हूँ, क्योंकि मंडे से आपकी वर्कशीट टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ओके बेटा, तो मैं जो है जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उसको करा देती हूँ, ऐसा करती हूँ। ओके, हाँ जी, जैसा आप चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए बेटा कि आप, मैं जो है जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उसी का रिविजन कराऊँ या लेसन वाइज रिविजन कराऊँ, जैसा आप चाहें। अगर पेरेंट्स बैठे हैं साथ में तो प्लीज मुझे गाइड करिए, क्योंकि मैं तो पूरा लेसन एज इट इज कराने के उसमें हूँ। हाँ जी, हम रीड कर लेंगे। ओके बेटा, ठीक है, आप रीड कर लीजिए, है ना, और मैं आपको जो है जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उसको आपको करा देती हूँ, ठीक है। इच्छा, यस मेरा लाल, है ना, तो आप लेसन रीड करेंगे उन्हें आप, क्योंकि रिविजन चल रहा है, मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले भी। तो सबसे पहले है ना, हम यहाँ पर जो है बुलबुल के बारे में जो है बातें पढ़ने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं। ओके बेटा, यस मेरा बच्चा, ठीक है। तो बुलबुल के बारे में पहले तो हम पांच वाक्य आपको जो है, सबसे पहले हम बुलबुल के बारे में पांच वाक्य जो है मैं कराने जा रही हूँ। तो बुलबुल की आवाज बहुत तेज हो रही है, ठीक है, बुलबुल का जो है बहुत, वही बुलबुल बहुत ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल का शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। बुलबुल सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, है ना। बुलबुल के पूंछ के नीचे की जगह का रंग लाल होता है। तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें जो है वो हम जानते हैं, है ना। तो हमें आज हम इसके बारे में ही करने वाले हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है आपको पांच सेंटेंस जो है बुलबुल के बारे में लिखाने जा रही हूँ, ठीक है। ओके मेरा बच्चा, यस मेरा लाल। तो पहला सेंटेंस जो है वो है, बुलबुल बहुत ऊंची आवाज में बोलती है। ओके, बुलबुल बहुत ऊंची आवाज में बोलती है, ठीक है बेटा। बुलबुल बहुत ऊंची आवाज में आपको भी पकड़ने लेना है क्या? अच्छा, ठीक है बेटा। बुलबुल बहुत ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल के पूंछ के नीचे का रंग लाल होता है। ओके बच्चा, किसी और पक्षी के पूंछ के नीचे का रंग लाल नहीं होगा, केवल बुलबुल के जो पूंछ के नीचे का रंग लाल होता है। बुलबुल का सारा शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। ओके बेटा, ये पूरी काली नहीं होती है, है ना, आपने देखा होगा इसकी, इसकी जो देखिए आप, ये देखिए इसका जो ये है, ये आप देख रहे हैं ये भूरे रंग का है, और ये सिर जो है वो बिल्कुल काले रंग का है, आप देख रहे होंगे, और इसकी पूंछ के नीचे का रंग देखिए लाल है, देख रहे हैं ना स्क्रीन पर अपनी, है ना। तो इसका सारा शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। इसका सारा शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है।
काले सिर्फ काले रंग का होता है सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ओके बेटा होती है ये है दो माताएं हैं बेटा है ना दो माताएं हैं सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ओके बुलबुल बहुत ऊंची आवाज में बोलती है बुलबुल की पूंछ के नीचे का रंग लाल होता है। ओके है ना लाल होता है फिर है इसका सारा शरीर भूरा और सिर काले रंग का होता है। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है और बुलबुल जो है वो अमरूद फल सब्जियां बड़े मजे से खाती है उसको ये सब खाना बहुत पसंद होता है बच्चा है ना बेटा। ओके उसको एक और लिखवा लेती हूँ मैं ये है ना एक कंडेंस और लिखवा देती हूँ फाइल हो जाएंगे फिर बुलबुल को अमरूद और मटर खाना बहुत अच्छा लगता है ना बेटा। जहां भी वह देखती है मटर और अमरूद वहां पर वो अपनी पूरी पूरे झुंड के साथ आती है और हमला बोल देती है और चट से सारे जो अमरूद है मटर है उन्हें चट चट करके खा जाती है। ओके बच्चा तो उसको कीड़े खाना और अमरूद और मटर खाना है ना बहुत अच्छा लगता है ठीक है। वो तो कीड़े भी खाती है पीपल के पेड़ पर से ओके ये है आपके फाइव सेंटेंसेस है ना। कल जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना आपकी ज्यादा देर के लिए क्लास लूंगी बच्चा। ओके मैडम बैठी हुई है ठीक है इंग्लिश मैडम जो है उन्होंने टाइम डाला हुआ है आपकी क्लास लेने वाली है तो कल जो है मैं ज्यादा देर के लिए आपकी क्लास लूंगी ठीक है। तो बी रेडी फॉर हिंदी क्लास है ना। तो अभी बस मैं अभी के लिए इतना ही ठीक है बच्चा है ना बच्चा। तो अब मैं जो है कल क्लास लूंगी फिर ज्यादा देर के लिए ठीक है। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए मैं जो है अपनी क्लास ओवर करने जा रही हूँ। घर में रहिए सुरक्षित रहिए मम्मा का कहना मानिए। मंडे से आपकी वर्कशीट टेस्ट है वर्कशीट आपको जो है स्कूल में आकर लेकर जानी है ना बेटा। पेरेंट्स आएंगे स्कूल से वर्कशीट लेकर जाएंगे फिर उसको कराने के बाद जो है वो फिर 1:30 के 1:00 अच्छा नेक्स्ट डे जब वो नई वर्कशीट लेने आएंगे ना तभी वो पहले दिन की वर्कशीट को ड्रॉप बॉक्स में डाल जाएंगे। ओके बच्चा ठीक है बेटा ऐसे करना है ना। तो परेशान नहीं होना कहीं भी कोई भी दिक्कत आए हम आपके लिए जो है हमेशा तैयार हैं आपकी जो भी समस्या है जो भी परेशानी है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ठीक है। तो तैयारी करते रहिए कहीं भी परेशानी आए बिल्कुल आप हमें फोन भी कर सकते हैं ठीक है हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे ठीक है बेटा। ओके चलिए बाय मेरा बच्चा बाय है ना। कहीं भी दिक्कत आए पढ़ते समय तो आप जो है झिझकना मत बिल्कुल भी है ना ठीक है। ओके चलिए बाय मेरा बच्चा बाय मेरा लाल चलिए बाय मेरा बेटा।